इस लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट हैंड देने वाला हूं कि आप अपनी प्रेजेंटेशंस कैसे बना सकते हैं यूजिंग ए आई और ये तकरीबन तीन से चार मिनट का हमारा जो है ये सेशन होगा ख़ासतौर तो तौर पे पीपीटी से रिलेटेड उसकी रीज़न ये है कि आपने भी क्वेश्चन पूछा है तो जारी बात है अगर हम इस पर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम इसको मिस कर दें तो लेट्स स्टार्ट फॉर मोमेंट हियर हमारे पास चैट जीपीटी पड़ा हुआ है ठीक है ये हमने ट्विटर और बाकी चीज़ें इससे पूछी कि हमें बताओ कि कैसे लिखना है कैसे नहीं करना चैट जीपीटी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पीपीटी बना सकते हैं शायद आपने बहुत कम सुनी हो ये बात लेट्स डू इट एक होता है वीबीए कोड अगर किसी को नहीं पता तो वो कोड होता है जो पावर पॉइंट के अंदर आप एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली स्लाइड्स बन जाती हैं हम उसके बारे में बात करने वाले आप हैं आपने क्या करना है इसको बताना कि आई वॉन्ट टू मेक आ मैं इसको जूम इन करता हूं मेक आ पी पी टी एक्स फाइल फ्रॉम द सेम इंफॉर्मेशन प्लीज प्रोवाइड मी वीबीए कोड हैविंग ऑल दीजी थ्रेड्स इन फाइव स्लाइड्स एंटर ये असल में विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का कोड होता है जो आपने एंटर करना होता है पावर पॉइंट के अंदर तो आपको यह स्लाइड्स बना के दे देगा बट ऑब्वियसली पूरी फाइनलाइज स्लाइड नहीं होंगी कुछ स्लाइड्स आप बना सकते हैं इससे तो जैसे आप किसी चीज की इन्फॉर्मेशन लें सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको बोलें कि आई वॉन्ट टू मेक अ पीपीटी फाइल आउट ऑफ इट तो वो आपको बना के दे देगा उसकी एक फाइल आपने क्या करना है बाद में आपने ये वाला कोड पकड़ना है कोड पकड़ने के बाद आपने जाना है अपने पावर पॉइंट के अंदर पावर पॉइंट के अंदर जाके alt एफ एलेवन दबाना है alt एफ इलेवन कॉपी करें कोड को आल्ट एफ इलेवन दबाएंगे ppt के अंदर जाने के बाद लेट मी शो यू आई कैन डू दैट जस्ट चलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पास ये मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी स्क्रीन उसके ऊपर ये काम करते हैं अभी ये है जी आपके पास स्क्रीन आ रही है मैकबुक है मेरे पास आपके पास विंडोज होगा तो अगर आपके पास मैकबुक भी है सो यू कैन वर्क ऑन दैट वन एज वेल टूल्स पे आपने जाना है ऊपर टूल्स के अंदर आपके पास यहां पे मैक्रो आ रहा होगा टूल्स पे मैक्रो आ रहा होगा ठीक है इसके बाद आपने जाना है विजुअल बेसिक एडिटर के ऊपर विजुअल बेसिक एडिटर विजुअल बेसिक एडिटर पे जब आप क्लिक करेंगे जस्ट अ मिनट मैं आपको वो वाली विंडो दिखाता हूं जो आपके पास आएगी फिर तो आपके पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी समथिंग लाइक दिस ठीक है आप जब इस विंडो पे आएंगे तो आपको यहां से इंसर्ट मॉड्यूल करना पड़ेगा करने के बाद यहां पे अपना वो कोड पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद आप सिंपली इसको प्ले के बटन को दबाएंगे तो ये आपको स्लाइड्स बना देगा मैं उसको दबा के आपको दिखाता हूँ स्लाइड्स ये आपके पास स्लाइड्स बन जाती हैं तो आप अगर गौर करेंगे मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन से स्लाइड बनाई हैं मैंने टेक्स्ट नहीं ऐड किया मैंने सिंपली हैडिंग्स ऐड की है। तो मेरे पास ऐसी स्लाइड्स बन गई हैं ऑब्वियसली टेक्स्ट बहुत चाहिए और चीजें बहुत चाहिए और फिर आप क्या कर सकते हैं इसके एडिशनल एक और सब स्टेप है आप यहां पे क्लिक करें डिज़ाइन पे जाके डिजाइनर इनका ए आई टूल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव के अंदर ए आई मौजूद है चेक करें ऑटोमेटिक तस्वीरें लग रही हैं सो so, आपकी पीपीटी लेवल होने वाली है इफ यू नो किस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी ठीक है थीके? तो ये डिजाइनर जो है ये ऑप्शन अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव के अंदर इस वजह से मैंने बोला था कि अगर आप पे करना चाहें तो ये एक अच्छा टूल है ऑनलाइन यूज करने के लिए ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन सो जस्ट इमेजिन के जो मेरे पास टाइटल आ रहा है वैसी तस्वीरें आ रही द ब्यूटी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा एक डेटा रखता है जिसके थ्रू आप ये वगैरह बना सकते हैं एंड देन यू कैन एड फर्दर इन्फॉर्मेशन आप जितना उस कोड को चेंज करते जाएंगे आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी बहरहाल इसके बाद काफी और भी टूल्स हैं अगर किसी को इसकी समझ नहीं आई इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम वी है गुलाम मुर्तज़ा भाई अपना माइक मे उठ रखें सो so, इसके बाद आ, हमारे पास काफ़ी और भी टूल हैं जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होते हैं लेकिन कोशिश करें कि आप प्रजेंटेशन जो है खुद से बनाना सीखें क्योंकि अगर आप ए आई पे मुनसर करेंगे ना तो आपको पता नहीं होगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ रहा है और आप ब्लैंक आउट हो जाएंगे जब आप किसी बड़े स्टेज पर प्रजेंट कर रहे होंगे तो इस वजह से अगर आपको पता है आपने क्या करना है इट्स बैटर के मेक इट बाई